पंचशील क्या है? पंच माने होता है पांच, और सील, सील जो होता है वो बड़े सह से बनता है, संसार वाले सह से, समुद्र वाले सह से, सील, पांच सील यानी पंचशील। सील का मतलब होता है नियम, वो नियम जो नियम जीवन में चलने के लिए या धम्म मार्ग पर चलने के लिए या सुखी रहने के लिए या राग द्वेष को छोड़ने के लिए बनाए भगवान बुद्ध ने, तथागत ने, सुगत ने, उन नियमों को पाली भाषा में सील कहते हैं। तो पांच नियम उन्होंने सभी को पालन करने के लिए कहा है, चाहे वो गृहस्थ हैं, चाहे वो भिक्खु हैं, चाहे बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे देसी है, चाहे विदेशी है, महिला है, और सभी जितने भी दुनिया में लोग हैं, ये पांच सील उन सब के लिए हैं। क्योंकि बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने, तथागत बुद्ध ने कोई भी मजहब या रिलीजियन या धर्म नहीं दिया, उन्होंने जो दिए वो प्राकृतिक नियम दिए जिसको धम्म बोला जाता है, और धम्म सभी के लिए हैं। इसलिए पांच जो नियम हैं, पंचशील यानी पांच सील, दुनिया में बहुत फेमस हैं। जगह जगह आप पंचशील कॉलोनी, पंचशील मार्ग, पंचशील हाउस, पंचशील बुद्ध विहार, पंचशील भवन, पंचशीलों के बुक, पंचशीलों के ऊपर बहुत सारी चीज़ आप देखेंगे और नेट है। ये पंचशील हैं क्या और ये पंचशील कैसे काम करते हैं? पहला जो सील है, नियम है, पांच में दिया जाता है, ऊपर नीचे हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रम बदल सकता है, क्रम बदलने से सीलों पे कोई फर्क नहीं पड़ सकता, क्रम में रखने की यानी सील में रखने की कोई बाध्यता या कोई कंपलसेशन या कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है। आप जो सील आपको पहले बोल सकते हैं पहले बोलें, जो बाद में, मगर अगर सभी लोग बोल रहे हैं तो फिर इसको कंटिन्यूटी में बोलना चाहिए ताकि सब लोगों को आसानी रहे। पहला है पाणाति पाता वेरमणि सिक्खा पदं समाधियामि। इसमें पाणाति पाता का जो अर्थ है, पाणाति पाता का मतलब है प्राण का पतन, यानी किसी भी तरह जो जीव है, जितने भी जीव जंतु हैं, उनके प्राण का पतन यानी उनके प्राण का खत्म करना। वेरमणि का मतलब है अलगाव है, विरति है, यानी कि मैं इसे, डी अटैचमेंट है मेरी, मैं इससे कोई अटैचमेंट नहीं है, मैं इससे व्रत रहता हूँ, इससे अलग रहता हूँ। किससे? पाणाति पाता, प्राण को पतन करने से, प्राण को खत्म करने से मैं अलग रहता हूँ। सिक्खा पदंग, सिक्खा पदंग का मतलब है, सिक्खा माने होता है शिक्षा, शिक्षा पदंग यानी सिक्खा पदंग का मतलब है पद माने हो गया एक संबंध उससे, और सिक्खा माने हो गया शिक्षा यानी शिक्षा का नियम। तो ये हुआ पाणाति पाता वेरमणि सिक्खा पदंग, और समाधियामि का मतलब है सम आदाति, यानी सम माने बराबर, आदाति माने लेता हूँ, दाति माने होता है देना, और दात से पहले अगर आ लग जाए तो आदाति होता है, आदाति का मतलब है लेता हूँ, और सम आदाति का मतलब है कि बराबर लेता हूँ, तो इसको समाधियामि बोलते हैं। समाधियामि यानी मैं, समाधियानि का मतलब मैं। पाणाति पाता वेरमणि सिक्खा पदंग समाधियानि, प्राणों को पतन न करने का मैं, अलगाव यानी व्रत रखने का, उनसे अलग रह जाने का मैं, सील संबंधी जो नियम है उसको लेता हूँ। ऐसा इसका मतलब है कि हिंदी में अगर स्पष्ट कहेंगे तो इसका मतलब यह है कि मैं किसी भी तरह के प्राणी को पतन से अलगाव यानी कि मैं उनकी हत्या नहीं करूँगा, ऐसा मैं शिक्षा लेता हूँ, ग्रहण करता हूँ, इसका मतलब यही हो गया। दूसरा जो हमारा आएगा वो आएगा अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खा पदंग समाधियामि। यहाँ वेरमणि सिक्खा पदंग समाधियामि सेम है, सिर्फ क्या बदला है यहाँ, यहाँ बदला है अदिन्न दाना। अदिन्न का मतलब है ए दिन दाना, ए दिन दाना, दिन माने होता है देना, और दाना माने होता है भोजन या कोई ग्रेन या कोई खाने की चीज़, ऐसे दाने का मतलब जो होता है वो अनाज के दाने हैं। ए दिन दाना यानी कि ए माने नहीं, दिन माने दिया हुआ दाना, अगर किसी ने मुझे दाना नहीं दिया तो मैं ऐसे दाने से अलग रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ या इसकी शिक्षा ले लेता हूँ, ऐसा मैं ग्रहण करता हूँ। इसका मतलब है कि अगर आपने नहीं किसी को कुछ दिया तो वो लेंगे नहीं, तो अगर किसी ने नहीं दिया और आपने ले लिया तो उसको चोरी बोलते हैं, यानी कि वो चोरी हो गई। अगर मैंने आपको कुछ दिया नहीं और आपने वो ले लिया तो वो चोरी हो गई। तो यहाँ ये जो सील है ये कहता है कि अगर आपने नहीं दिया तो मैं उससे अलग रहने की शिक्षा लेता हूँ,
यदि चोरी नहीं करूंगा, आप दोगे तो ही मैं लूंगा, अदरवाइज मैं कोई भी चीज आपकी पड़ी है, कहीं भी रखी हुई है, कैसी भी रखी हुई है, वो मेरे लिए मिट्टी के समान है। अगर मुझे जरूरत है और मैंने आपसे मांगी और आपने मुझे दी, तो मैं उसे ग्रहण करूंगा। अगर वो सड़क पे पड़ी है, किसी घर पड़ी है, कहीं भी पड़ी है, तो मैं उसको ग्रहण नहीं करूंगा, मैं उसको नहीं लूंगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा करता हूं, ऐसा मैं वचन करता हूं। ये दूसरी है। तीसरी है इसमें कामेशु मिच्छाचारा, कामेशु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खा पदंग समाध्यामी। यानी कामेशु मिच्छाचारा, इसमें दो शब्द जुड़ गए हैं, बाकी जो सेम है वेरमणि सिक्खा पदंग समाध्यामी। कामेशु क्या है? कामेशु का मतलब है काम में या काम पर। काम का मतलब यहाँ वासना से है, यानी काम में या काम पर, वासना में या वासना पर, या वासना को मन में लाने का, या वासना के बारे में बात करने का, या वासना के बारे में सोचने का। और मिच्छाचारा क्या है? मिच्छा माने होता है झूठा, और आचार माने क्या होता है? आचरण, यानी बिहेव, यानी झूठा आचरण। मैं काम के ऊपर, यानी वासना के ऊपर, यानी जो भी ऐसी सेक्सुअल असाल्ट हैं उनके ऊपर सोचूंगा भी नहीं, और मिच्छाचार यानी झूठा व्यवहार भी नहीं करूंगा, झूठा आचार भी नहीं करूंगा, उससे मैं अलग रहने की शिक्षा लेता हूं। ये तीसरा है। इसमें जो मिच्छाचारा है, मिच्छाचारा में बहुत सारे आचार आ जाते हैं, क्योंकि झूठे जो आचरण हैं वो बहुत हैं। झूठे आचरण हैं बोलना है, या किसी को कुछ झूठा बताना है, या झूठ मन में लेके आना है, या आलस करना है, या बहाना बनाना है, या क्या बोलते हैं कोई गप मारनी है, ये इस तरह की बातें सारी इसमें मिच्छा आचरण में आती हैं। जो चौथा है वो है मूसा वादा वेरमणि सिक्खा पदंग समाध्यामी। मूसा माने झूठा होता है, मिच्छा माने तो होता है झूठे के साथ साथ में, जो मनगढ़ंत होता है उसको मिच्छा आचार बोलते हैं, यानी झूठा भी है और मनगढ़ंत भी है। मगर मूसा वादा क्लियर झूठ के लिए आता है, यानी कि आपने किसी भी तरह का झूठ नहीं बोलना है, और वादा का मतलब है वादी, यानी कि मूसावादी, झूठ का मत भी नहीं आना है, झूठ वाले मत में आपको नहीं आना है। तो मूसावादा वेरमणि सिक्खा पदंग समाधिनी, यानी आपको झूठवादी नहीं बनना है, झूठ बोलने वाला नहीं बनना है। पांचवा है सुरा मेरय मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खा पदंग समाध्यामी। इसमें जो सुरा है उसको बोलते हैं नशीला पेय पदार्थ, ड्रिंक, और जो मेरे है वो है अन्य नशीला पदार्थ, सॉलिड हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है, धुएं वाला हो सकता है, अन्य नशीला पदार्थ। और मज्ज माने होता है मद, जो आपने देखा होगा ना मद निषेध जो लिखा होता है, तो मज्ज माने होता है मद, मदपान भी बोलते हैं इसको, ये अलग तरह का एक मद उसको भी बोलते हैं, कि अगर आपको किसी की लत लग जाए किसी चीज़ की तो कहते हैं ये मद मस्त हो गया, ये मद मस्त है, यानी कि उस जो आदत पड़ी हुई है उसमें वो चला गया। तो कोई ऐसी आदत पड़ी हुई है आपको जो आपको मदहोश करती है, जो मद में ले जाती है, तो तीन बातें इसके अंदर आपने नहीं करना है। चौथी है पमाद अट्ठाना। पमाद अट्ठाना का मतलब है पमाद, और अट्ठाना का मतलब है कारण, स्थान, यानी प्रमाद का कारण भी नहीं बनना है आपने। जो लापरवाही है, जो आलस है, उसका भी कारण या उसका स्थान नहीं बनना है। ऐसे मैं शिक्षा ग्रहण करता हूँ, उनसे अलग रहने की मैं शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तो सुरा मेरे मज्ज पमाद अट्ठाना वेरमणि सिक्खा पदंग समाध्यानी, यानी कि नशीला पदार्थ, अन्य नशीला पदार्थ, मद, लापरवाही या वो स्थान जहाँ पे ऐसा कुछ होता है, उन सबसे अलग रहने की शिक्षा मैं लेता हूँ। ये पांच सील हैं। ये बहुत सिंपल से साधारण से सील हैं, मगर ये सील पूरे जो बुद्ध की 45 साल की एजुकेशन है, ये उसके प्राण हैं। कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धवादी बने, या बुद्ध का फिलॉसफी का जानकार बने, और या फिलॉसफी को मानने वाला बने, या बहुत बड़ा विपसना का आचार्य बने, या विपसना सिखाने वाला बने, या मेरी तरह कोई ऐसा लेक्चर देने वाला बने, और वो इन पांच सीलों का पालन ना करे, तो वो बुद्ध की किसी बात का कोई पालन नहीं करता। इसलिए ये पांच सील जो पालन कर लेता है, उसे ना किताब पढ़ने की आवश्यकता है, जो ये पांच बातें मानता है उसे ना कोई ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता है, वो अपने आप ही अर्थ भी हो सकता है, सोतापन्न भी हो सकता है, अनागामी भी हो सकता है, सकदागामी भी हो सकता है, और उसका जीवन सुखमय हो सकता है, बुद्ध की चाहे वो किसी बात को जाने या ना जाने, सिर्फ पांच सील। इसलिए कहते हैं कि पांच सील अगर हम इसकी तुलना करें, या जो बहुत सारे लोगों ने इसकी तुलना की है, तो वो ये कहते हैं कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी के अंदर पांच सील किसी गॉड